नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और टेक यार्ड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है हमारे पास शाओमी का मी ईयरफोन बेसिक और ये वो हेडफोन्स है जिसका प्राइस है 400 रुपये। बहुत लोगों का थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि इस हेडफोन के ऊपर एक वीडियो बनाने का, तो ये है वो वीडियो। तो पहले स्टार्ट करने के अनबॉक्सिंग और उसके बाद आते हैं मेरे फुल रिव्यू में। तो बिना वक्त गवाए अनबॉक्सिंग स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग में बेसिकली है कुछ नहीं ज़्यादा। यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसको ओपन करने के बाद आपको इन द बॉक्स पहले मिलता है ईयरफोन्स, और ये दोस्तों मी बेसिक ईयरफोन्स है जिसका प्राइस है 400 रुपये और mi.com से हम लोगों ने इसको एक्चुअली खरीदा है। और उसके साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग बहुत ही छोटा था, मेरा यही प्लान था बहुत छोटा अनबॉक्सिंग बनाना, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को है तो नहीं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि एक एक्स्ट्रा बटन है और वो बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राइट ईयरबड के साथ। मुझे उम्मीद है शायद फोकस हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक बटन है कॉल एक्सेप्टिंग और कॉल रिजेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं एक्सपीरियंस में या फिर रिव्यू में। तो मैं बेसिकली जब रिव्यू करता हूँ तो प्रोज एंड कॉन्स करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बेसिकली उतना ज़्यादा प्रोज नहीं है कि मैं ऐसे बनाऊँ। तो पहले मैं आऊँगा दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में, और बिल्ड क्वालिटी एक ही शब्द में मैं कहूँगा, वो है एवरेज। 400 रुपये में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूँ, लेकिन 400 रुपये में मुझे Xiaomi से एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था इन केस ऑफ बिल्ड क्वालिटी। और आई बात 3.5 mm हेडफोन जैक की, तो यहाँ पर जो सेटअप उन लोगों ने किया है ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी उन लोगों ने यूज़ किया है स्पेशली इस जगह पर वायर जहाँ से एक्चुअली यहाँ पे कनेक्ट आता है अंदर से, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन टिक पाएगा। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा रफ यूज़ हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे जो भी उन लोगों ने मटेरियल यूज़ किया है ये उतना भी अच्छा नहीं, और यहाँ से ये ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये जो उन लोगों ने एल शेप किया है ये अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ में आऊँगा दोस्तों, जो टोटल ईयरफोन है लेंथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत टैंगल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा ये टैंगल होता है, टैंगल फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप नॉर्मली इसको पॉकेट में रखोगे या फिर आपके स्कूल बैग में रखोगे तो डेफिनेटली जब आप वहाँ से इसको निकालोगे तो 2-3 मिनट लग जाएगा, 2-3 मिनट नहीं, मे बी 1 मिनट लग जाएगा टोटल इसको टैंगल फ्री करने के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं ऑडियो क्वालिटी के मामले में, और यहाँ पर भी मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बेसिकली मुझे बोलना चाहिए कि मैं निराश हूँ, क्योंकि दो टाइप का ऑडियो क्वालिटी हम लोग ईयरफोन से आजकल मांगते हैं, एक तो है म्यूज़िक का, दूसरा है कॉलिंग फैसिलिटीज़ का। तो अगर मैं कॉलिंग फैसिलिटीज़ की पहले बात कर दूँ तो ठीक है, कॉलिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग म्यूज़िक की बात करें तो वहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा नहीं लगा वो है इसका एक्चुअली जो ट्यून, यानी कि जब मैं एक्चुअली गाना सुन रहा था तो जो एक्चुअली वॉइस है सिंगर का वो कम आ रहा था, और आउटसाइड में जो म्यूज़िक था वो ज़्यादा आ रहा था। मैंने इक्वलाइजर काफ़ी बार चेंज किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैंने लैपटॉप में देखा है, मैंने मेरे फ़ोन में देखा है, सभी जगह एक ही इशू है, वो है जो मेन एक्चुअली सिंगर का टोन है या फिर वॉइस है वो कम आ रहा है, लेकिन आउटसाइड में जो एक्चुअली साउंड है वो ज़्यादा है। और एक चीज़ बेस बहुत लोग पसंद करते हो, उन लोगों के लिए शायद ये अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी क्लैरिटी जो ऑडियो में होना चाहिए 400 रुपये में भी जो क्लैरिटी होना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, और क्यों मैं 400 रुपये के साथ जितना ज़्यादा कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोट 225 यूज़ किया है और उसका क्लैरिटी बेसिकली इस ईयरफोन से बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू, मैंने कोशिश किया कि जितना छोटा कर सकूँ, लेकिन अब आता है वो क्वेश्चन जो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछोगे, क्या 400 रुपये देकर लिए लेना चाहिए या नहीं। तो मैं एक ही शब्द में कहूँगा जी नहीं, दो शब्द हो गया सॉरी, जी नहीं, आपको ये नहीं लेना चाहिए। और भी ऑप्शन है 500 रुपये के आसपास, बोट का है बाजेड सीरीज़ जो है, या फिर साउंड मैजिक ES80। मैंने साउंड मैजिक पर्सनली यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ कुछ लोगों के साथ मैंने बात की, उन लोगों ने कहा है कि साउंड मैजिक का भी साउंड काफ़ी अच्छा है ES18 में भी। और एक चीज़, अगर आप अच्छा क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी चाहते हो उसके साथ अच्छा ऑडियो चाहते हो तो डेफिनेटली जो Xiaomi का 600 रुपये का ईयरफोन है उसको लीजिए। 200 रुपये आपको ज़्यादा देना होगा, मुझे पता है 50% ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी, लेकिन वर्थ एवरी पेनी। क्या 400 रुपये में सच में ये ईयरफोन लेना ठीक है? देखिए दोस्तों, ना ऑडियो क्वालिटी अच्छा है ना बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपका बजट 400 से ज़्यादा नहीं है और डेफिनेटली आप ज़्यादा ऑडियो फाइल नहीं हो, बात करना ही किसी के साथ आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ईयरफोन काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा। लेकिन 400 रुपये में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक ऐसा कुछ, थोड़ा सा बजट को इंक्रीज़ कीजिए और बोट या फिर साउंड मैजिक या फिर Xiaomi का जो इन ईयर हेडफोन है 600 रुपये में, उसका नाम क्या है पता नहीं, वो ले लीजिए। मैं नाम बहुत भूल जाता हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। इन वजह से आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जानते हो क्या करना होगा,
अच्छा नहीं लगा तो भी आप जानते हो क्या करना होगा। और आप चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से, बेल बटन को जरूर दबाइए ऐसे वीडियोस नोटिफिकेशंस के लिए। और तब तक के लिए अलविदा, आपसे मिलकर होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।